हेलो एवरीवन, और कैसे आप लोग गाइस? होप सो बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया रहना। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गाइस अपनी ड्रीम बाइक की डिलीवरी लेने के लिए गाइस। तो आज देखो, आज मेरा छोटा भाई साथ जा रहा है और बड़े भाई भी साथ जा रहे हैं, और साथ में और विवेक और ब्रेकर आ रहा है गाइस, और अभय भी आ ही रहा है। तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। और गाइस मेरी एंटॉक रहेगी और विवेक के 390 और क्या बोलते हैं ब्रेकर आ रहा है गाइस, तो उसकी MT50 रहेगी। और विवेक भी आ रहा है तो उसके पास भी 390 है, तो विवेक भी चल रहा है। तो मतलब आप अपने पास दो 390 है, एक MT15 और अपने एंटॉर्क। तो गाइस अब जब तो आते हैं, जैसे जब फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड गाइस अभय भी आ चुका है, देख सकते हो। और गाइस अभी विवेक अभी तक नहीं पहुँचा है। तो गाइस अभी देखो हम लोग यहाँ पे रुके हैं भुरकुंडा चौक पर, तो रिमतकमा चौक पर रुके हुए हैं अभी। तो गाइस विवेक सीधे रोड से ही आने वाला, क्योंकि उधर से घूम कर आने में उसको थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा था, डायरेक्ट सीधे ही आएगा। तो अभी यहाँ रुके हैं, विवेक का वेट कर रहे हैं गाइस। तो जैसे वो आएगा उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग। एंड गाइस देखो विवेक भी आ चुका है और पिलियन लेकर के आया गाइस, जो कि तीन तीन लोड है, देख सकते हैं। किसके पास हेलमेट है ये देख रहे हो ना, फिर विवेक के पास है हेलमेट पहना ये लोग को। अरे बिना हेलमेट के जा रहे, चेकिंग है आगे। चालान कट सकता है आपका, एंड गाइस देखो अभी पहुंच चुके हैं रामगढ़ वाले ओवरब्रिज के पास। और गाइस अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, कि वो लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो विवेक भी आ चुका है और मेरा भाई आने वाला था गाइस, तो वो भी पीछे रह चुका है, और मम्मी पापा आगे निकल चुके गाइस। लोग शायद शोरूम पहुँच भी गए होंगे, पर अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं। आज का देखो दो 390 यहाँ पे, एक अभय किया और एक विवेक किया। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं KTM शोरूम, और इधर है KTM शोरूम और उधर है बजाज शोरूम। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बजाज शोरूम पे। तो गाइस जो वहीं पे पेपर वर्क होने वाला है, इधर नहीं होता तो वहीं जाएंगे फिलहाल। और इधर पता नहीं किस चीज़ की भीड़ हो रही है आज। तो देख सकते हो गाइस अभी हम लोग लेने आए हैं 250, और अभी ये लोग देख रहे हैं डोमिनार और शशि यहाँ, ठीक है। और अभी तो हम लोग बजाज का शोरूम में हैं। भैया अपने लिए डोमिनार देख रहे हैं कि बहुत जल्दी उतारेंगे डोमिनार। इंडियन इसको बहुत बड़ा है। और ये है शशि का भाई, हाय कर दो तो ब्लॉग में। और ये हूँ मैं अभय कुमार, मेरा ब्लॉग है। अभी सायरन का बाइक सर्विस में दिया हुआ है, थोड़ा ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए दिया हुआ है सायरन अभी नहीं। और अभी पेपर वर्क हो रहा है वहाँ पर, तो अभी यहीं पर हम लोग हैं, देख रहे बाइक सब। और वो उसमें स्प्रे तो नहीं लेना है, कैंडल वगैरह तो जनरल भी नहीं है। ले नहीं वो क्या बोलते हैं स्पार्कल, हाँ स्पार्कल वाला। बस नाम वगैरह हो चुका है, यहाँ से लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड फाइनली गाइस देखो हमारा बाइक की डिलीवरी होने वाली है, और बाइक वहाँ पे खड़ी है, और मम्मी है, पापा और भाई, इधर मेरे कुछ फ्रेंड्स और साथ में भैया भी आए हैं, इधर भी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे। तो काफ़ी सही लग रहा है, आज बहुत दिनों बाद मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और खुशी तो मतलब बता ही नहीं सकता भाई। तो उधर से ना खींचेगा ना, उठाइएगा ना उधर से। तो फाइनली गाइस तो हमारा काम हो चुका है, और देखो ये रही मेरी ड्रीम बाइक।
इसको बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, मतलब ऐसा ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ ना कुछ बोल नहीं सकता मैं। That's what it. And here is my dream, guys. अभी फिलहाल केक काटते हैं, उसके बाद सबको खिलाते हैं गाइस। बंद करना पड़ेगा इसे, या बंद करना पड़ेगा। थैंक यू भाई, तो उठ ही नहीं रहा, आ गई नहीं, आ ही नहीं रहा लो ना। हाँ तुम्हें खिला सबको, हमको बाद में खिलाना, सबको पहले तुम्हें खिला। अरे फिर बहुत देर लगा, फिर टाइम हो जाता उससे ज़्यादा। अरे आप लोग खिला तो बाद में खाते ना। उनको फिर खिलाना था, फिर हम इसको देते हैं। आ गए रुको ना, रुको रुको लो, खिलाओ मम्मी, काटो काटो, दो सबको, तुम्हें दो। ना ना